आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझे सब अकेले ही देखना पड़ रहा है। एक्चुअली जो मेरे साथ आते हैं वो है नहीं, दो लोग होते हैं बेसिकली। तो हम बात करेंगे दोस्तों इस बहुत इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्शन की। आप सबको बस जानना होगा कि थर्ड वेव कब खत्म होगी। भाई कल 2.5 लाख कैसे जाए, 2.5 लाख अभी तक अप्रैल से लेकर अभी तक सबसे ज्यादा है ये। मतलब अप्रैल से कह रहा हूँ कि मतलब जब से सेकेंड वेव खत्म हुई अभी तक सबसे ज्यादा एक दिन में 10 दिन के अंदर अंदर केसेस दुगने हो गए हैं। पॉजिटिविटी रेट जो है वो 11% पे चला गया है, जो कि 1% से कम था। 300 डिस्ट्रिक्ट में पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा हो गया है। हाहाकार मचा है। ओमिक्रॉन को आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि देखिए ओमिक्रॉन इन्फेक्ट कर रहा है। माइल्ड कह के थोड़ा सा दिक्कत, ये बिल्कुल सही बात है, वो माइल्ड है। लेकिन भाई आपको नहीं पता, माइल्ड है तो और डेंजरस है ना। आपको नहीं पता वो किसी की किसकी बॉडी पे क्या काम करेगा। भाई 200 से ज्यादा तो डेथ हुई है कि नहीं भाई। मान लो मुझे नहीं पता है, माइल्ड मैंने करके 3-4 लोगों को फैला दिया तो खतरनाक हो जाएगा। इसीलिए इसको इतने हल्के में ना ले, ठीक है, और अप्रोप्रिएट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें। यहां पे हम बात करेंगे दोस्तों IISc और ISI के मॉडल पे। उन्होंने तीन कंडीशन बताई है, ठीक है, तीन कंडीशन बताई है उन्होंने कि भारत में जो कर्व है वो कब फ्लैट होगा। आपको पता है ना वेव क्या होती है, जैसे केसेस कम होने लगे फिर ऊपर गए तो वो वेव आ गई, फिर कम होने लगे फिर ऊपर गए तो दूसरी वेव आएगी, फिर कम हुए फिर ऊपर गए और तीसरी वेव आएगी। तो भारत में समय तीसरी वेव है, अमेरिका में तो चौथी पांचवी वेव चल रही है, तो केसेस हर जगह ज्यादा आ ही रहे हैं। तो भाई आप समझो कि ये जो प्रेडिक्शन है इसमें तीन केसेस बताए हैं, तो हम एक एक करके बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दो कि हमारे लिए, हमारी तरफ से आपको एक तोहफा है। अभी तक हमारा जो ऐप है उसके जो वीडियो है, जैसे आपने कोर्स परचेस किया यूपीएससी का कोर्स परचेस करो भाई, परसों एक लड़का बोला था सर आप तो सर्विस कर रहे हो, एनसीईआरटी हमने शानदार निकाली, चारों इकोनॉमी पॉलिटी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी सब कंप्लीटेड बहुत ही कम दामों में, बहुत ही कम, बैंक एसएससी के कोर्स। तो अब हमने क्या किया है कि अभी तक खाली आप मोबाइल में देख सकते थे, लेकिन अब आप उसको लैपटॉप और कंप्यूटर पे भी देख सकते हो। हमने वेब एक्सेस दे दिया है, क्योंकि कुछ मुझे कंप्लेंट्स आई थी कि सर आंखें दर्द हो जाती है, मोबाइल छोटा होता है। तो हमने सारे बच्चों को जो भी कोर्स लेंगे उनको वेब एक्सेस दे दिया है, और जो ले चुके उनको भी दे दिया है। अब इसमें करना क्या है, देखिए जो ले चुके हैं उनको तो मैंने बता ही दिया है क्या करना है, लेकिन जो नहीं लिए हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो आपको बता देंगे करना क्या है, ठीक है। तो ये चीज है, तो कोर्सेज लीजिए बहुत ही शानदार है। तो अब देखिए पहला जो प्रेडिक्शन है, पहला सिनारियो है, अगर 30% पॉपुलेशन जो है वो ससेप्टेबल है, ठीक है, 30% पॉपुलेशन। दूसरा सिनारियो जो है वो 60% अगर ससेप्टेबल है, इनको हुआ 60% लोगों को हो गया, देन 100% ससेप्टेबल, ठीक है। ये रिपोर्टेड केसेस है जो लाल में है ना, ये रिपोर्टेड केसेस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये देखिए ये 15 दिसंबर है, बहुत अच्छे से आपको बताता हूं मैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये लाल में जो है ये अभी केसेस हैं, समझ रहे हो, और अभी हम यहां पे हैं, है ना, अभी हम यहां पे हैं। आज 13 जनवरी है, 11 जनवरी तक बता रहे हैं, ओके। तो अभी भारत में अगर आज की बात करें तो 2.5 लाख केसेस आए हैं, ऊपर बढ़ रहे हैं, ये आप देख सकते हो ना, ठीक है। ये एक्चुअली कल का है ना, कल तक का प्रेडिक्शन है, तो इसलिए आपको 2 लाख से नीचे दिख रहा है। अभी तो हम तकरीबन यहां पे होंगे, ठीक है, ये करते रहो मैं फाइन। अब अगर 30% पॉपुलेशन ससेप्टेबल है, मतलब अगर हम यहीं तक ही रहे 2.5 लाख तक, चलिए मान लीजिए कि अगर एक दिन में मैक्सिमम इतने केसेस आ गए, 3 लाख के करीब केसेस आ गए, तो आप समझिए कि देखिए कर्व कब से फ्लैट हो रहा है, यानी कि जनवरी के यहां से देखिए मैक्सिमम 30 लाख केसेस आ गए, तो कर्व जो है वो 1 मार्च आते आते ये देख रहे हो ना पूरा फ्लैट हो जाएगा। यानी कि यहां पे आप देखो ये कितने केसेस है, ये लगभग 1 लाख के करीब केसेस होंगे, ठीक है। तो अब ये देख रहे हो कि ये फरवरी है, 1 फरवरी, यानी कि 1 फरवरी के बाद से केसेस एकदम से डिक्लाइन होना शुरू हो जाएंगे। अगर अभी जैसा चल रहा है वैसा चलता है, 30% ससेप्टेबल है और अभी वैसे ही, मतलब इतने ही लोग, ये केसेस बढ़ते नहीं है, यहीं पे रुक जाते हैं, ठीक है। तो पहला सिनारियो तो ये हो गया। अब इसमें आप देख लीजिए हॉस्पिटलाइजेशन लगे हाथों, हॉस्पिटलाइजेशन आईसीयू रिक्वायरमेंट भी घटने लगेंगी।
अब देखिए इसमें से इतने लोग भाई यहां पे आप समझिए कि ये तुरंत फ्लैट हो जाएगा, और तो 1 मार्च तक भाई साइड से बता केसेस से रिलेटेड है आपकी हॉस्पिटलाइजेशन एंड आईसीयू रिक्वायरमेंट। यही तो बोला गया है कि आप ओमिक्रॉन को इतने हल्के में ले रहे हो भाई, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा क्योंकि बेड्स लिमिटेड है, अभी तो ज्यादातर बेड्स वैकेंट है, लेकिन एकदम से जब हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ेंगे जैसे अमेरिका में हो रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, तो ये भी घटेगा। दूसरा पॉइंट, अगर 60% ससेप्टेबल है तो भाई आप समझो कि लगभग 6-6.5 लाख के करीब एक दिन में केसेस आ सकते हैं, 6.5 लाख के करीब। अब ये देखो यहां पे है ना, तो ये आप समझो कि 20 से 22 जनवरी के बीच में होगा और उसके बाद फिर ये पीक होने लगेगा, लेकिन इसको टाइम लगेगा, इसको टाइम लगेगा यहां तक आने में, यानी कि 1 मार्च से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा ये। अगर मान लो कि 60%, यानी कि आप समझ लो कि मे बी 8-9 मार्च तक, ठीक है, एक हफ्ते आप उसको आगे बढ़ा दो। अब अगर मान लो कि 100% मतलब हर कोई ससेप्टेबल है तो आप ये समझो कि एक दिन में 9 लाख तक केसेस आ सकते हैं, 9 लाख तक, लेकिन उसके बावजूद जो कर्व है वो डिक्लाइन हो जाएगा। 1 मार्च से इसमें भी थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। अप्रैल, ये देखो आप अप्रैल देख रहे हो ना, अप्रैल आते आते, 1 अप्रैल आते आते, यानी कि आज से 2 महीने बाद आप समझिए कि चीजें एकदम सही हो जाएंगी, 0 केसेस आएंगे, 0 है ना, 0 केसेस आ सकते हैं, मतलब बहुत ही कम, नेग्लिजिबल। तो ये 3 कंडीशन, और उसी हिसाब से आपको आईसीयू भी दिख रहा है, ठीक है। अभी देखिए भारत के डेली केसेस, यहां पे हम थे 6000 7000 8000 केसेस आ रहे थे, एकदम से देखिए एकदम से ये जो रिपोर्टेड केसेस है यहां पे हम थे, और रिपोर्टेड केसेस एकदम से तेजी से बढ़े और अभी हम तक यहां पे खड़े हुए हैं, है ना, 10 जनवरी आते आते हम यहां पे हैं। तो अब ये फिर अगेन आप देखिए कि अगर जैसे अब देखिए ये तो हम चले गए हैं, ठीक है, मतलब ये वाला 30% ससेप्टेबल, 60% ससेप्टेबल, 100% ससेप्टेबल, ये तो प्रेडिक्शंस है ना, ये तो अगर ऐसा होता तो क्या होता और ऐसा होगा तो क्या होगा। तो अगर आप ये देखिए, हम इस पे चलते, अगर 100% ससेप्टेबल्स है तो भाई डेली केसेस हमारे यहां तक पहुंच जाएंगे 10 जनवरी तक, यानी कि एक तरीके से अभी रिपोर्टेड 100% ससेप्टेबल तो हम नहीं है, इनफैक्ट हम यहां पे भी नहीं है, 30% पे भी नहीं है, हम इससे नीचे ही है, नहीं 30% तक तो है, 30% अभी तक 30% लोग ससेप्टेबल है, तब जाके इतने केसेस आ रहे हैं। तो आप ये देखिए, तो आप ये देखिए उस हिसाब से जैसा अभी ट्रेंड चल रहा है, सबसे ज्यादा 3 लाख तक केसेस आएंगे और उसके बाद ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। ये हालांकि ये पीक जो है वो अलग अलग शहरों में डिपेंड करेगी, जैसे जैसे मुंबई और दिल्ली में बोला पीक आ चुकी है और 15 जनवरी से, परसों से केसेस ऑलरेडी डिक्लाइन पे चले जाएंगे, जहां पे नहीं आए हैं वहां पे आ रहे हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज आप समझिए कि अभी जिस तरीके का सिनेरियो चल रहा है, अभी हम यहां पे 30% ससेप्टेबल, तो उसके बाद केसेस जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएंगे, राइट। और ये आईसीयू बेड्स आप देख लीजिए, आईसीयू बेड्स की मांग बहुत तेजी से बढ़ेगी अगर 100% ससेप्टेबल है, 30% अभी अगर बात करें तो आईसीयू देखिए बहुत ही कम, समझिए लगभग 5000 के करीब लोगों को, 1.5-2 लाख में 5000 के करीब लोगों को आईसीयू की जरूरत पड़ सकती है ना। तो ये चीज है, ये आप ग्राफ समझ गए, डिपेंड करेगा दोस्तों कितने केसेस आएंगे। तो 3 सिनेरियो बताए हैं, 30%, 60% और 100%। 100% बहुत ही रेयर केसेस में होगा, हो भी सकता है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम यहां तक नहीं जाएंगे। हाँ ये और ये अभी तो हम यहीं पे ही है, लेकिन यहां तक भी हम जा सकते हैं, वो हमको देखना पड़ेगा, वो हमको देखना पड़ेगा। अगर चीजें सही हो जाती हैं, भीड़ भी बहुत ज्यादा हो रही है ना, देखिए लोग इसको लाइटली ले रहे हैं, जैसे सेकेंड वेव में तो बुरी हालत थी, लेकिन लोग इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि चलो घूमो फिरो, आप घूमिए फिरिए ठीक है ना, चलो अभी नाइट लॉकडाउन लगाया है, लेकिन आप मास्क वास्क और थोड़ा भीड़ भीड़ को अवॉइड करें, मतलब हम लोगों को ही समझना होगा ये। चलो आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे मेन टेक अवेज क्या है, हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट जो है वो वर्स्ट कंडीशन में बताई दिया 4 लाख एक दिन में, 4 लाख वर्स्ट कंडीशन में, अगर 100% पॉपुलेशन को वायरस हो जाए, हर किसी को वायरस हो जाए, मतलब वर्स्ट कंडीशन में आप देखिए 4 लाख से ऊपर जाएंगे, वर्स्ट कंडीशन में सबसे ज्यादा एक दिन में 4 लाख लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, इससे खराब कंडीशन आई नहीं सकती ना, ओके ये चीज है। 60% में तो हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट जो है वो 3 लाख पर डे, अगर 60% पॉपुलेशन ससेप्टेबल है। उसके बाद जो आईसीयू बेड्स रिक्वायरमेंट है वर्स्ट के सिनारियों में 20,000, नहीं तो ये 10,000 से 15,000 के बीच में रहेगी वर्स्ट केस में, मतलब अगर केसेस जो है वो 8 से 9 लाख आए एक दिन में,
तो 20,000 लोगों को आईसीयू में भर्ती करवाया जा सकता है। जैन और फेब में आप देख लीजिए, वेव जो है वो फरवरी में और मार्च में, 1 मार्च तक डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगी, अप्रैल में पूरी तरीके से फ्लैट हो जाएगी और वेव खत्म हो जाएगी। आप देख ही सकते हो ना, यहां पे चाहे ये वाला सिनारियो, ये वाला सिनारियो, ये वाला सिनारियो, इन सब सिनारियो में कर्व जो है वो फ्लैट हो रहा है। अप्रैल, ये देखिए 1 अप्रैल है, हालांकि ये 1 मार्च से शुरू हो जाएगा। आपने एक चीज शायद नोटिस नहीं की होगी कि ये चीज आप जरा नोटिस करिए कि ये शुरू 1 मार्च से ही हो रहा है। इतने केसेस हैं, यानी कि 10,000 से कम इतने केसेस हैं, बस दैट्स इट। शुरू ये मार्च से ही हो रहा है, यानी कि फेब तक, फेब में भी इनफैक्ट बहुत ज्यादा, फेब में भी वर्स्ट केस सिनेरियो में आप देखिए बहुत ज्यादा खतरनाक, मतलब बहुत ऐसा नहीं कि भयानक कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। अगर अभी जैसा चल रहा है तो हम यहां पे आएंगे, यानी कि 1 लाख के करीब केसेस, लेकिन मार्च आते आते, 1 मार्च आते आते कर्व पूरा फ्लैट होने लगेगा और 1 अप्रैल तक कर्व पूरा फ्लैट, यानी कि थर्ड वेव खत्म हो जाएगी। भारत में थर्ड वेव रहेगी ही नहीं, तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए हमको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हमको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, स्टेट वाइज प्रेडिक्शंस की बात करें तो दिल्ली में आप समझिए कि 20,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, यानी कि दिल्ली की बिल्ली बोला 60% ससेप्टेबल पॉपुलेशन है। डेली केसेस जो है 40,000 तक आ जाएंगे तो 100% जो पॉपुलेशन है वो ससेप्टेबल हो जाएगी। 100 में से 60 लोगों को अभी दिल्ली में कोविड हो चुका है, 60% ससेप्टेबल का मतलब यही है, 100% लोगों को हो जाएगा तो हर दिन 40,000 केसेस आएंगे। पुडुचेरी, लक्षद्वीप, पंजाब में डिलेड सर्ज हमको देखने को मिलेगा, भारत में भी हमको डिलेड सर्ज देखने को मिली, यूरोप में पहले आ गई, यूरोप में पहले आ गई, अफ्रीका से तो निकला, भारत में भी हमको डिलेड लेट सर्ज देखने को मिली, बात अभी हमारे केसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे पुडुचेरी, लक्षद्वीप, पंजाब में केसेस ऑलरेडी डबल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है, जितनी जल्दी जहां पे केसेस आएंगे उतनी जल्दी वहां पे पीक आएगी। महाराष्ट्र में सबसे वर्स्ट केस सिनारियो है 1.75 लाख, इन द वर्स्ट केस सिनारियो अगर 1.75 लाख केसेस पर डे आते हैं तब जब वहां पे 60% पॉपुलेशन जो है वो ससेप्टेबल होगी, स्टेट विल रिपोर्ट 1 लाख, हर दिन 1 लाख केसेस आ सकते हैं महाराष्ट्र में एट द पीक। कर्नाटक में अगर बात करें तो 1.20 लाख डेली केसेस आ सकते हैं, तो अब उस केस में फरवरी तक पीक आ जाएगी। 60% ससेप्टेबल पॉपुलेशन में हर दिन 60,000 के 80,000 केसेस आएंगे। हमको वर्स्ट केस सिनारियो ही लेके चलना है, वर्स्ट केस सिनारियो लेके चलेंगे तभी ठीक होगा। वेस्ट बंगाल में 30,000 से 40,000 के बीच में केसेस मिल सकते हैं, कंसिडरिंग 60% ससेप्टेबल सिनारियो। तो बंगाल में वर्स्ट केस में 50,000 डेली केसेस आएंगे इसमें। केरल में आप देखिए कि 1 लाख से ऊपर केसेस आ सकते हैं अगर 100% पॉपुलेशन जो है वो ससेप्टेबल है, वरना 60,000 से 80,000 के बीच में रहेंगी चीजें। तो ये आपके सामने समरी है कि क्या यहां पे आईएससी ने प्रेडिक्ट किया है। मेन चीज यहां पे ये है कि एक तो 1 अप्रैल तक कर्व फ्लैट हो जाएगा, लेकिन वो हम पे डिपेंड करेगा। दूसरी चीज, हमको यहां और यहां तक नहीं जाना है, हमको यहीं तक ही रहना है, यहां तक तो हम आ चुके हैं। और अगर सब कुछ सही रहा तो दोस्तों 20 जनवरी के बाद से ही कर्व नीचे जाने लगेगा, तो हमको इस एरिया में जाना ही नहीं है। तो ये सब कुछ हम पे और सरकार पे डिपेंड करेगा। तो आई होप आप चीजें समझ गए होंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरे हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल था, हिंदुस्तान टाइम्स, और ये तो खैर आईएससी की स्टेटिस्टिकल इंडिया की वेबसाइट पे ही आपको मिल जाएगा जो मॉडल है, ठीक है। तो ये लेक्चर है, मैंने बताया कि हमने वेब एक्सेस दे दिया है, तो अब आपको वेबसाइट पे, आप लैपटॉप और कंप्यूटर पे भी, डेस्कटॉप पे भी आप हमारे लेक्चर जो है वो देख सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और हमने कोई लिमिट नहीं तय की, आप जितनी बार जाओ उतनी बार लेक्चर देखो। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।